हेलो एस्पायरेंट्स, 25 सितंबर की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, यूएन मस्ट कॉल अपॉन इंडिया टू हॉल्ट प्रोवोकेशन सेज पाकिस्तान। तो ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर इंडिया का और पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है। रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली मीटिंग जो थी सेप्टेम्बर में अभी हुई, उसके अंदर ये सामने रखा गया। तो पाकिस्तान यहाँ पे कहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए, अगर उनको चाहिए कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज है वो बढ़ ना जाए। तो इसके लिए जो इंडिया प्रोवोकेटिव एक्शन ले रही है, अग्रेसिव एक्शन, मतलब इंडिया को ब्लेम कर रहे कि इंडिया जो एक्शन ले रही है उनको स्टॉप करना चाहिए। और इंडियन फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि ये इस्लामिक टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। और पाकिस्तान कहती है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू नेशनलिज्म स्प्रेड किया जा रहा है इंडिया में, तो इसको वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बायलेटरल डायलॉग इंडिया नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान, इंडिया का कहना है कि हम रेडी है पाकिस्तान के साथ एंगेज होने के लिए, पर पाकिस्तान हमारे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर। और पाकिस्तान कहती है इंडिया नहीं चाहती बायलेटरल डायलॉग, वो कहते हैं कि पहले वायलेंस खत्म होना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये कंडीशन तो हमको पता है, इंडियन लीडर्स ने पहले भी कई बार मेंशन किया गया है कि पहले पाकिस्तान के थ्रू जो वायलेंस इमर्ज होता है, वहां से जो वायलेंस होता है ना, पाकिस्तान से के थ्रू जो सपोर्ट किया जाता है जिहादिस्ट को इन जम्मू एंड कश्मीर, जब तक वो अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा ये बंद नहीं होते, तब तक डायलॉग नहीं होगा। तो ये प्री कंडीशन है। तो ऑफकोर्स इट्स डिफिकल्ट, एंड फिर इसलिए कोई बायलेटरल डायलॉग्स नहीं हो रहे दोनों कंट्रीज के बीच में, ना कंपोजिट डायलॉग ना कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। और पाकिस्तान कहती है कि जो वायलेंस होता है इसका रीजन है कि इंडिया ने जो कश्मीरी पीपल के ऊपर ऑक्यूपेशन है उनका, और जो वहां पे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, उस वजह से ये हो रहा है। तो ये इंडिया को काउंटर में ब्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यूनाइटेड नेशंस के मैप के हिसाब से भी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इसको रिजॉल्व करना जरूरी है इशू को। फिर अगला न्यूज आइटम है, गवर्नमेंट में ओपन रेलवे लाइंस टू प्राइवेट प्लेयर्स। तो रेलवे मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल रेलवे के रिलेटेड व्यू पॉइंट रखते हैं। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी के लिए कोई बजटिंग नहीं किया जाएगा, अनलिमिटेड फंड्स वो रेडी है स्पेंड करने के लिए ताकि रेलवे सेफ्टी एंश्योर की जाए। दूसरा वो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वो कह रहे हैं इसको रैपिडली स्केल अप किया जाएगा, मतलब इसको और एक्सपांड किया जाएगा और जगहों पे भी लाया जाएगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। और तीसरी चीज वो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन, तो रेलवे स्टेशंस को प्राइवेट प्लेयर्स को हैंड ओवर करने के लिए, अवार्ड करने के लिए जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था, लेकिन अब उसके अंदर रिस्पॉन्स उनको फेवरेबल रिस्पॉन्स मिला नहीं, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, इसलिए अब गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर रही है। तो रेलवे वो कह रहे हैं ने डिसाइड किया है कि हम स्विस चैलेंज मॉडल जो है यूज किया जाता है फॉर टू अवार्ड रेलवे स्टेशन टू प्राइवेट प्लेयर्स, ये प्राइवेटाइजेशन के लिए स्विस चैलेंज मॉडल यूज नहीं किया जाएगा, सिंगल बिडिंग पैरामीटर के बेसिस पे सिलेक्शन होगा प्राइवेट प्लेयर का। तो ये है अराउंड 100 रेलवे स्टेशन लीज आउट करने का प्रपोजल है। पहले प्रपोजल था उसके अंदर 45 ईयर का लीज टेन्योर था, अब उसको बढ़ा के 99 ईयर किया गया है ताकि ये और फेवरेबल लगे, प्राइवेट प्लेयर्स अट्रैक्ट हो इससे। इवन उनको अलाउ किया गया कि वो अपने स्टेशन रेलवे स्टेशन सब लीज भी कर सकते, इवन एसेट्स को वो मॉर्गेज कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं बैंक्स के पास ताकि उनको लो कॉस्ट फंड्स मिल सके बैंक्स से। तो ये सारा भी अलाउ किया गया है। अब ये स्विस चैलेंज मॉडल क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, यहाँ डिटेल दिया हुआ है। तो ये स्विस चैलेंज मॉडल के अंदर होता है कि गवर्नमेंट एक प्राइवेट प्लेयर सिलेक्ट करती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और वो अपना प्रपोजल वो प्राइवेट प्लेयर सबमिट करेगा गवर्नमेंट को, फिर वो प्रपोजल पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, बाकी सारे प्राइवेट प्लेयर्स इसके उसको इम्प्रूव करने के लिए बिड करेंगे। तो अगर कोई बेटर बिड आई सामने, गवर्नमेंट को ये पसंद आई, तो वो प्रपोजल फिर वो बिड का दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ओरिजिनल फर्स्ट प्लेयर को, फर्स्ट चॉइस को, कि क्या आप इसको मैच कर सकते हैं ये बिड अमाउंट को या नहीं। अगर वो बिड अमाउंट मैच कर सकते हैं तो फिर वो फर्स्ट प्लेयर को ही मिलेगा, अगर नहीं तो फिर सेकेंड प्लेयर पिक्चर में आता है। ये स्विस चैलेंज मॉडल है फॉर प्राइवेटाइजेशन, तो इसको अब यूज नहीं किया जाएगा रेलवे सेक्टर प्राइवेटाइजेशन के लिए, और सिंगल बिडिंग पैरामीटर के बेसिस पे
यूज यू नो सिलेक्ट किए जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये है अराउंड 23 स्टेशंस का ऑलरेडी इनविटेशन बिड के लिए किया गया था, पर रिस्पांस जो नहीं आया अच्छा, तो अब ये फिर से इनिशिएटिव लिया जाएगा फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, ताकि वो बेटर फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड कर सके, जैसे लिफ्ट्स वगैरह तो है। और दूसरी चौथी चीज जो बात की जा रही है रेलवे के रिलेटेड, वो मिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट है रेलवे के लिए, और हम फिलहाल जो डीजल यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में शिफ्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि डीजल हम इंपोर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिकली जनरेट होती है, सेल्फ सफिशियंट रिसोर्स है, तो ये मोर एफिशियंट रहेगा। तो ये कैसे सेविंग्स होगी उसके भी वो डिटेल्स दे रहे हैं। और ये स्विस चैलेंज मॉडल के को एक्सप्लेन किया गया जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर अगला न्यूज आइटम है टेक बूस्ट फॉर सॉइल क्वालिटी स्कीम। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि सॉइल क्वालिटी एनालाइज किया जाए ऑल अक्रॉस दी कंट्री, तो इसको एक मेजर टेक्नोलॉजी बूस्ट अब मिलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लान कर रही है कि वो ये प्रोग्राम को सॉइल कार्ड स्कीम जैसे है, तो ये प्रोग्राम को वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है IIT बॉम्बे का, उसके साथ ये लिंक करेंगे। तो ये रिसर्च प्रोजेक्ट में हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यूज किया जा रहा है, तो ये इमेजिंग टेक्निक यूज करके लैंड का पिक्चर इमेज लेके वो उसका पूरा न्यूट्रिएंट बैलेंस क्या है, न्यूट्रिएंट्स कौन से है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो NPK कहा जाता है, इसका प्रोपोर्शन वो बता सकते हैं। तो इसका एनालिसिस विदाउट इवन टेकिंग अ सॉइल सैंपल, सिर्फ इमेज के थ्रू ये हो सकता है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो IIT बॉम्बे में इन इफेक्ट है, तो इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक कार्बन और फॉस्फरस कंटेंट फिगर आउट करने के लिए उन्होंने तरीका ढूंढ लिया है इमेजेस के थ्रू, अब वो और इसके ऊपर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिंक करेगी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से। तो ये है, तो इसके इसको यूज करने के लिए हमको डिटेल्ड इमेज चाहिए वो जगह की, तो इसके लिए हमको नैनोमीटर्स के स्केल पे इमेज चाहिए, डिटेल्ड इमेज। तो ये इमेज हम फिलहाल नहीं है, हमारी सैटेलाइट्स में यूज की जाती है, तो उधर ये नैनो स्केल रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं ली जाती, तो ये एक ड्रॉबैक है। और ये सैटेलाइट इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, या तो लो फ्लाइंग प्लेन्स ड्रोन्स के थ्रू भी इमेजेस ली जा सकती है। तो ये है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, आपको याद होना चाहिए हमने पिछले महीने भी डिस्कस किया था, हाइपसिस जैसे करके ये एक सैटेलाइट इसरो भी लॉन्च करना चाहती है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक यूज करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये रीजन है, तो हर एक पिक्सल का डिटेल्ड इमेज दिया जाता है, तो सैंपल स्पेक्ट्रम का डिटेल्ड इमेज होता है जिससे पता चलता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो जैसे अगर लैंडस्केप भी है तो सॉइल का रिफ्लेक्टेंस जो होगा, लाइट का रिफ्लेक्टेंस जो होता है, उसके थ्रू ये वेवलेंथ के हिसाब से वो डिटर्मिन हो सकता है कि ये सॉइल है कि वाटर है कि वेजिटेशन है, तो ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। और ये जो हमने बात करी थी हाइसिस करके, ये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट प्लान की जा रही है बाय इसरो, तो इससे हम जो है डिटेल्ड इमेज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो हर एक पिक्सल का डिटेल्स में पता चलता है। तो ये काफी सारी इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमने देखा सॉइल एनालिसिस के लिए, इसको एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए, इवन मिनरल रिसोर्सेज डिटेक्ट करने के लिए, मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। फिर अगला न्यूज आइटम है जापान कीन ऑन फ्रेंडशिप विथ नॉर्थ ईस्ट। तो रिसेंटली जो फोर्थ नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी समिट हुई कोहिमा कैपिटल ऑफ नागालैंड में, तो यहाँ पे जापानीज रिप्रेजेंटेशन भी था, और उन्होंने कहा कि हम इस रीजन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, और पीपल टू पीपल सेक्टर्स में। तो ये जापान यहाँ इस रीजन को स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मानती है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जंक्चर है बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इवन टू बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक रीजन। तो इसीलिए जापान यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करना चाहती है, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, एनर्जी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, इवन जापानीज लैंग्वेज एजुकेशन और पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशन, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने यहाँ पे भी इनरोड्स बनाए थे, नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जापानीज असिस्टेंस ली थी ऑन फोर्सेस के साथ, वो यहाँ आए थे और जापानीज थोड़े अग्रेसिवनेस भी यहाँ पे हुआ था, तो उसके लिए पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशन के लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे, ये जापान ने इनिशिएटिव लिया है।
इवन और एक कंट्री जो यहाँ इंटरेस्ट बताती है वो है म्यांमार. तो म्यांमार भी इसको इम्पोर्टेंट लोकेशन मानती है और म्यांमार के साथ भी हमारी लॉन्ग बॉर्डर है विथ फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर. फिर अगला न्यूज आइटम है नेवीज डायलेमा, यूएस टू प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स. तो इंडियन नेवी का रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि वो हेलीकॉप्टर्स प्रोक्योर करे, माइन स्वीपर्स प्रोक्योर करे. पर इंडियन गवर्नमेंट का जो अभी निगोसिएशन चल रहा है जापान के साथ वो है ऑन यूएस टू एम्फीबियस एयरक्राफ्ट. तो ये 12 ऐसी एयरक्राफ्ट, ये शिन मैवा करके कंपनी है, जापानीज कंपनी, वो मैन्युफैक्चर करती है. तो ये डील अराउंड 1.3 बिलियन डॉलर की डील है जिसका निगोशिएशन हो रहा है. प्रेजेंटली प्राइसिंग ऑफसेट क्लॉज के ऊपर थोड़े कंसर्न्स है, तो डिफरेंसेस है, वो रिजॉल्व होने के स्टेप्स लिए जा रहे हैं. पर नेवल ऑफिशियल्स यहाँ कह रहे हैं कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट तो हेलीकॉप्टर्स की है, क्योंकि जो नेवी के पास फिलहाल हेलीकॉप्टर्स है वो 1980s की है, पुरानी है, तो उनको रिप्लेस करना अर्जेंटली इम्पोर्टेंट है. हमने जो बाकी स्टेल्थ शिप्स वगैरह भी हमने इंक्लूड किए हैं फोर्सेस में, तो वो भी वहाँ उनके टैक्स भी वेकेंट है क्योंकि हेलीकॉप्टर्स नहीं है. और हेलीकॉप्टर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं अगर इमरजेंसी भी कुछ सीज पे हुए, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये प्रोक्योर करें. और अगर ये 1.3 बिलियन डील इसलिए हो जाएगी, डॉलर डील, तो फिर हमारे रिसोर्सेज बजट कम हो जाएगा फॉर अदर इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज, ये बताया गया है. तो ये जापान के साथ ही हमारी डील है. बाकी सारे भी रीसेंट जो अग्रीमेंट्स हुए जापान के साथ और जो निगोशिएशंस हो रहे हैं उसके डिटेल्स दिए गए हैं. ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के बारे में है. फिर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट भी हम प्रोजेक्ट भी है जापान का गुजरात में. फिर उसके अलावा जो बुलेट ट्रेन है, फिर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बाकी सारे जो इनिशिएटिव्स है नॉर्थ ईस्ट में भी रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, वो सारे यहाँ मेंशन है. फिर अगला न्यूज आइटम है M777 ब्रोक ड्यू टू फॉल्टी शेल. तो ये एक्चुअली जो सितंबर में ही अभी शुरू में थोड़े दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्चुअली टेस्ट किया जा रहा था M777 अल्ट्रालाइट हाविट्जर्स का. तो ये M777 अल्ट्रालाइट हाविट्जर्स हम यूएसए से प्रोक्योर कर रहे हैं. ये BAE सिस्टम्स कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है. गन्स है जो बोफोर्स गन्स के साथ बाद ये हम जो हाविट्जर्स अब प्रोक्योर कर रहे हैं वो ये है. तो इसकी नवंबर 2016 में इसके लिए डील साइन की थी इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट के साथ अंडर फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम. तो 145 M777 गन्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं फॉर $373 मिलियन. लेकिन इसके लिए जो एम्युनेशन है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इंडिया की वो प्रोवाइड करती है. तो अभी जो टेस्ट हुआ, तो एक्चुअली दो गन्स ही इंडिया में आई है अप्रैल 2017 में फॉर टेस्टिंग पर्पसेस. जो बाकी तीन गन्स और आएगी ट्रेनिंग के लिए अगले साल, और फिर डिलीवरीज फिर कमेंस हो 2019 से. तो ये जो दो गन्स टेस्टिंग के लिए आई है उनके टेस्ट में यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो गया. ये एम्युनेशन जो यूज किया गया था वो बैरल के अंदर एग्जिट करते टाइम ही वो बैरल के अंदर ही टूट गया और उधर डैमेज हो गया बैरल को. तो ये एक्सीडेंट का जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो रिजल्ट ये आया है कि एम्युनेशन फॉल्टी था जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से प्रोक्योर किया गया. और यहाँ डिटेल्स दी गई है रिगार्डिंग अल्ट्रालाइट हाविट्जर्स जो ये यूएस के थ्रू हमने प्रोक्योर किए. फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट प्लान्स मेड इन इंडिया बॉडी आर्मर फॉर सोल्जर्स. तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO ने नीति आयोग को कहा है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बिठाई जाए ताकि वो एक रोड मैप प्रिपेयर कर सके कि लाइट वेट बॉडी आर्मर जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जाए. तो ऑलरेडी कंपनीज है, इंडियन कंपनीज जैसे कानपुर बेस्ड MKU, टाटा एडवांस मटेरियल, ये लाइट वेट बॉडी आर्मर मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है. लेकिन इंडियन फोर्सेस के पास ही यहाँ पे डेफिशिएंसी है. तो अराउंड 50,000 बुलेट प्रूफ किट्स चाहिए पुलिस फोर्सेस के लिए इंडिया में, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये लाइट वेट आर्मर्स इंडिया में लो कॉस्ट सप्लाई यहाँ पे पॉसिबल हो. तो इसलिए ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई जा रही है ताकि प्रोक्योर हो सके. तो इंडिया ऑलरेडी लीडिंग प्रोड्यूसर एंड इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है बॉडी आर्मर का, फिर भी फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेज इंडिया में उनको ये नहीं मिल पाते, especially lightweight body armor. फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया प्लानिंग टू बाय उज़्बेक यूरेनियम. तो यूरेनियम जो न्यूक्लियर फ्यूल है
ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, हमारी जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स है इंडिजीनियसली डेवलप किया हमने, तो उनके लिए भी फ्यूल चाहिए। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है लेकिन वो इतना सफिशियंट नहीं है, तो इसीलिए हम इम्पोर्ट करते हैं यूरानियम। फिलहाल इम्पोर्ट करते हैं कजाकिस्तान और कनाडा से, जो दो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है यूरानियम के वर्ल्ड में। और इसके अलावा हमारे पास अग्रीमेंट है यूरानियम इम्पोर्ट के लिए विथ नामीबिया एंड मंगोलिया। अब हम निगोशिएशन कर रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं विथ उज्बेकिस्तान फॉर अ सिमिलर डील फॉर यूरानियम, ताकि हम अपना स्ट्रेटेजिक यूरानियम रिजर्व रख सके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए। ये टॉप प्रोड्यूसर्स के डिटेल्स दिए गए। मेजर प्रोडक्शन जो है कजाकिस्तान में होता है, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, अराउंड 40% इन कजाकिस्तान, 22% कनाडा, देन कम्स ऑस्ट्रेलिया। और ये जो कंपनीज है उनकी डिटेल्स दी गई। फिर अगला न्यूज आइटम है GSTN tweaked features handled robust August returns filing CEO। तो GSTN goods and services tax network, ये IT backbone है पूरा, IT infrastructure जो है वो, इसके अंदर रिसेंटली जो जुलाई से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जुलाई फर्स्ट मंथ में हमने देखा कि काफी ग्लिचेस आई इसके फंक्शनिंग में, इसलिए जीएसटी काउंसिल ने भी एक GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, हेडेड बाय बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुशील मोदी। और ये GOM को यह टास्क दिया गया कि जो GSTN में ग्लिचेस है उसको रिजॉल्व करे। तो उन्होंने 25 की इश्यूज यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे और उनको रिजॉल्व किया गया है। तो अब अगस्त मंथ के लिए जो GSTN का फंक्शनिंग है वो अच्छा रहा है, ये उस बारे में है। तो CEO ऑफ GSTN ये बता रहे हैं। तो अराउंड 87.33 लाख बिजनेसेस रजिस्टर्ड है GSTN में, और सितंबर 20 जो लास्ट डेट थी अगस्त टैक्स रिटर्न्स फाइल के लिए, वो इधर देखा गया है कि काफी सारे 1.3 लाख टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए। फिर फाइल किए गए हैं। और बाकी जो है GSTN नेटवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटरफेस है, तो टैक्स पेयर्स इसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, और जो सेंट्रल एंड स्टेट्स के जो टैक्स आईटी सिस्टम्स है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया, ये इंटरफेस किया गया है। और टैक्स अथॉरिटीज भी इसको एक्सेस कर सकती है, अकाउंटिंग एजेंसीज, ट्रेजरीज, और इवन RBI बैंक्स के, और बैंक की और RBI के पूरा नेटवर्क भी इसको एक्सेस करता है। तो ये यहाँ पे डिटेल दिया गया है, उसके साथ भी इंटीग्रेटेड। फिर अगला है ये रिगार्डिंग GSTN इक्विटी स्ट्रक्चर। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है GSTN, सेंट्रल गवर्नमेंट का 24.5% स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी 24.5% स्टेक है, बाकी जो है वो HDFC बैंक, HDFC, ICICI, LIC वगैरह, NSE के यहाँ पे स्टेक्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है GST MSMEs टू गेन वाया बेटर कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये आर्टिकल है रिगार्डिंग GST के MSMEs के लिए GST कैसे बेनिफिशियल रहेगा। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है MSMEs की इंप्रूव होगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अराउंड 5 करोड़ ऐसे MSMEs है इंडिया में, जिसकी वजह से 25% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, 40% इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ से आता है हमारा, और 45% इंडिया का एक्सपोर्ट भी MSMEs के थ्रू होता है। तो इनको इनका कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगा GST के इम्प्लीमेंटेशन से। तो इनको दे विल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्स और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स जो है GST इम्प्लीमेंटेशन से, तो ये है कि जो एक यूनिफाइड मार्केट मिलता है, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर है, यूनिफाइड मार्केट है, तो ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस का इनको बेनिफिट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अभी कम हो जाएगा इसकी वजह से GST इम्प्लीमेंटेशन, फ्राइट चार्जेस जैसे हमने देखा है वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ GST, प्लस इसके अलावा इंटर स्टेट सेल्स के ऊपर भी कोई टैक्सेस नहीं है, तो वो उसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा। और ये फिर बाकी स्टेट से भी ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई अलग इंटरस्टेट सेल्स का या टैक्स का कोई बर्डन नहीं होगा। तो ये उनको बेनिफिट्स होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा बेसिकली। और इवन ये जो है पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होता है, तो मिनिमल फिजिकल इंटरफेस है ब्यूरोक्रेसी के साथ, तो कम्प्लीट ट्रांसपेरेंसी भी होगा, कंप्लायंस कॉस्ट भी कम होगा। लेकिन जो हिंड्रेंसेस है वो ये है कि इनको इसके साथ कंप्लायंस करने के लिए जो है कॉस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज मैन पावर चाहिएगा, जिसको कंप्यूटर्स की नॉलेज हो, जिसको मंथली ये GST रजिस्टर करना होगा, उनको मंथली इसको रेगुलरली पे करना होगा जो टैक्सेशन है, क्योंकि जो इनपुट्स भी है
तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कस्टमर को कब मिलता है, जो बायर को, जब सेलर जिसके पास से वो खरीद रहे उन्होंने टैक्स कंप्लायंस किया है कि नहीं। तो अगर एमएसएमई रेगुलरली टैक्स कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उनके कस्टमर्स उनके साथ बिजनेस करना प्रिफर नहीं करेंगे, तो इसीलिए उनको कंप्लायंट होना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अगर वो उसका वो ध्यान रखेंगे तो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड और कॉम्पिटिटिवनेस एज मिलेगा। फिर वो इवन यहाँ पे कहा गया है कि वो इम्पोर्ट्स, लो कॉस्ट इम्पोर्ट्स के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं एज सच। तो ये है कंक्लूजन, यही है कि एडवांटेजेस है। अगर चैलेंजेस जो है रिसेंटली इनिशियल फेज है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का, तो प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कतें आ रही है, टीथिंग ट्रबल्स जैसे इसको कहते हैं, नया नया इनिशिएटिव है इसलिए। लेकिन एक बार ये स्मूदन अप हो जाए और जीएसटी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर एमएसएमई फुलफिल करेंगे तो इससे वो काफी पॉजिटिवली बेनिफिट होगी। फिर अगला न्यूज आइटम है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर। तो ये ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर जो है ये सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटीज का एबनॉर्मल प्राइस राइज होता है, मतलब वो कंपनीज के अर्निंग्स के बुक वैल्यू के और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से उतना वो लेवल पे नहीं होता, मतलब ज्यादा ही कुछ प्राइस राइज हो रहा है, तो ये जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो सेबी फिर यहाँ पे ये ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर्स उनके ऊपर लाती है, ताकि इन्वेस्टर्स को अलर्ट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके कि अगर वो ये सिक्योरिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो ये उनके कंसर्न्स है कि ये अबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर्स जो है इसके अंदर 6 स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेज जैसे स्टेज इंक्रीज होता है वैसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा होते जाते हैं। तो ये सेबी ने इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली, तो ये 6 स्टेजेस जो यहाँ पे डिटेल्ड आउट है। तो फर्स्ट स्टेज में ऐसे है कि मैक्सिमम 5% शेयर प्राइस में मूवमेंट हो सकता है, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं अलाउड है, तो फर्स्ट स्टेज है ये। और उसके अलावा जो सेकेंड स्टेज है, तो तब वहां पे आपको जो बायर होगा ये सिक्योरिटी का, उनको 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू देना होगा एज एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट। तो ये उनको ऐसा प्रोविजन करके रखना होगा, तो वही वो उसमें ट्रेड कर सकते हैं बायर। और ये एक्सचेंज जो है इसको 5 महीने तक जो एक्सचेंज है वो अपने पास रखेगी, उसका रिफंड करेगी इन अ फेज्ड मैनर इंस्टॉलमेंट्स में। थर्ड स्टेज जो है ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर का, तो इधर ट्रेडिंग इस सिक्योरिटीज में सिर्फ 1 हफ्ते में 1 दिन अलाउड होगी, और वही 100% उनको एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट भी रखनी होगी। फोर्थ स्टेज है, यहाँ पे भी सेम ट्रेडिंग वंस अ वीक अलाउड होगी, लेकिन उनको अभी सर्वेलेंस डिपॉजिट 200% जितनी रखनी होगी, 200% ऑफ ट्रेड वैल्यू। फिफ्थ स्टेज में अभी ट्रेड अलाउ किया जाएगा ओनली वंस अ मंथ, पहले वंस अ वीक था, अब वंस अ मंथ और एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट ऑफ 200%। फिर सिक्स्थ और फाइनल स्टेज है, मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस था, तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी वंस अ मंथ होगा, अपवर्ड मूवमेंट अलाउड नहीं होगा प्राइस में, और सर्वेलेंस डिपॉजिट 200% का होगा। और ये फिर सिक्योरिटीज का क्वार्टरली रिव्यू होता है, तो सेबी इसको चेंज कर सकती है, स्टेजेस में भी अलग अलग शिफ्ट हो सकते हैं वो, और रिमूव भी कर सकते हैं इससे। तो रिसेंटली भी हम देख रहे हैं शेल कंपनीज के रिलेटेड भी, तो ये सर्वेलेंस में डाला गया है वो डिटेल्स, ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, Who's lending to Indian businesses? तो ये है रिगार्डिंग RBI's annual report, तो उसके अंदर जो RBI ने details दिए है regarding flow of financial resources to commercial sector. तो जो financial year 2017 की जो data है वो एक watershed year माना जाता है, क्योंकि banks का up to 50,000 last पिछले 4 साल देखे जाए तो up to financial year 2016 banking system की वजह से 50% या उससे ज्यादा जो commercial sector की credit requirement है वो fulfill हो गई थी। लेकिन financial year 2017 में banks का new credit में share 35% हो गया, और नॉन बैंक सोर्सेज का 65%, तो ये चेंज हुए। इसके अलावा तो बैंक्स का शेयर कम हो रहा है क्रेडिट में, और एनबीएफसीज, बॉन्ड मार्केट्स और एफडीआईज ये फंड कर रहे हैं इंडिया में कमर्शियल एंटरप्राइजेस को, तो ये है। तो मतलब बैंक्स क्योंकि बैड लोन्स इतने बढ़ गए उनके, तो वो अपना ऑपरेशन अभी संभल के कर रहे हैं, तो इसीलिए नया क्रेडिट जनरेट ज्यादा हो नहीं रहा है, तो ये इसके रिफ्लेक्शन में ये पूरा डेटा है। तो बॉन्ड मार्केट भी अभी स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि
from if you look at from borrowing side, तो बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब फॉल होते हैं तो बैंक्स में इतना रिफ्लेक्ट नहीं होता जितना बॉन्ड मार्केट में क्विकली और इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट होता है. तो ये एक एडवांटेज है. प्लस रिटेल सेविंग्स भी काफी जा रही है बॉन्ड मार्केट में, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस फंड्स, पेंशन फंड्स में. तो इस वजह से अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड्स को यूज कर रहे हैं. तो ये है. और लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि बॉन्ड मार्केट है वो लार्ज एंटरप्राइजेस को ज्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि उनके क्रेडिट रेटिंग्स अच्छे होते हैं रादर देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल बोरोवर्स, क्योंकि उनके रेटिंग्स लो होते हैं. तो ये सारा डिटेल ये बताता है कि अगर बैंक क्रेडिट ग्रोथ कम भी हो गया, 20 या लो पे भी चला गया, तो भी जो है इकोनॉमी को इतना अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एनबीएफसीज ने और बॉन्ड मार्केट ने अब इसको, और इवन एफडीआईज ने इसको अभी इंक्रीज हो गया, उनका शेयर इंक्रीज हुआ है. ये डिटेल्स तो यही है न्यूज़ आइटम्स. थैंक यू.